है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल VMG Birds में। और देखकर कैसे कबूतर को पहचाने कि ये कबूतर नर है या मादा, तो सबसे आसान तरीका कबूतरों को देखकर ही पहचाना जा सकता है कि आप जो कबूतर खरीद रहे हैं वो नर है या मादा। बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं, व्यूवर्स कह रहे थे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कबूतर को देख के कि ये कबूतर नर है या मादा है। दोस्तों, जो कबूतर नर होता है उसका पोटा इस तरह से आगे गुटकने के बाद काफ़ी बड़ा साइज में हो जाता है, और जब भी नर कबूतर गुटकता है व्यूवर्स, तो उसका गला जो आगे का है वो थोड़ा सा फुला रहता है, और जो मादा कबूतरी होगी व्यूवर्स उसका इस तरह का मतलब पोटा नहीं रहेगा। और नर कबूतर अपने दरवे में दूसरे नर कबूतर को नहीं आने देगा। आप कबूतर को देखकर भी पहचान सकते हो व्यूवर्स कि कौन सा कबूतर नर है और कौन सा मादा है। फिलहाल ये दोनों व्यूवर्स नर है, जिस वजह से वो नर कबूतर अपना ताकत दिखा रहा है कि इस घर का मालिक मैं हूँ, और इसलिए उसे आने नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं, तो कबूतर को देखकर ही पता लगा जा सकता है व्यूवर्स कि कौन सा कबूतर नर है और कौन सा मादा। देखिए व्यूवर्स, अगर दोनों नर है तो व्यूवर्स लड़ाई चालू हो जाएगी। देखिए व्यूवर्स, उसने मार कर इसे भगा दिया। ये देखिए व्यूवर्स, तो अब उसके अंदर लॉफ के अंदर वो घुस गया है। अब क्या होने वाला है ऊपर वाला ही जानेगा। ये देखिए, और व्यूवर्स एक और चीज़ पहचानने का है, अगर आपका कबूतर का जोड़ा लगा हुआ नहीं है तो आप इससे ही पहचान सकते हो ये कि व्यूवर्स ये कबूतर अगर नर नर का जोड़ा लगाते हैं तभी वो लड़ेगा, मादा मादा का जोड़ा लगाते हैं तो भी लड़ेगा। अगर हम नर और मादा का जोड़ा लगा देते हैं व्यूवर्स, तो वो जोड़ा बहुत जल्द सेट हो जाएगा। एक दो दिन लड़ाई चलेगी, उसका जोड़े बन जाएंगे। जो भाई कह रहे थे कि भाई नर और मादा कबूतर को देख कर कैसे पहचाने, तो ये सबसे मतलब आसान तरीका है कि आप इस तरह से कबूतर को देख कर पहचान सकते हो।